अभी देखो यार, वो भीमकुंड दिखाने के चक्कर में मेरा मोबाइल पानी में गिर गया। मतलब क्या, ये जो शूज है ना, इस तरह से शूज आप कभी मत लाओ यार, ये इतनी जल्दी स्लिप हो गया उससे कि मैं भी गिर गया। ये देखिए, मैं भी गिर गया, मेरा मोबाइल भी गिर गया, ये जो ट्राइपॉड है ये भी टूट गया और उसमें सब शॉर्ट है मेरे। अभी वो मोबाइल चालू होता कि नहीं कुछ पता नहीं, मैंने डायरेक्ट वो स्विच ऑफ कर दिया है मोबाइल। तो अगर वो मोबाइल अगर खुला ही नहीं तो हो सकता है उसके अंदर जो भी वीडियो है सब जा सकते हैं। जबरदस्त वीडियो उसके अंदर, और ये जो ये भी टूट गया है, अभी अच्छे से वीडियो भी नहीं ले पाएंगे। जाने दे, फिर इतने नीचे गए थे हम, मोबाइल तो अभी यहाँ पे हमने हिट किया है उसको अच्छी तरह से, तो आशा है कि ये ठीक हो सकता है। जा रहे हैं हम देवी पॉइंट की तरफ। नहीं नहीं काही बोलू नको, तू फक्त सांग, फक्त सांग आम्हाला कुठं कुठं जावं लागते। कॅमेरामॅन राविराज जुमडे, फोर इडियट चॅनल आज तक। काय काय काय, एकदा परत सांग। देवी पॉइंट दिसेल तुम्हाला। ओके, इकडे देवी पॉइंटकडे देवी आहे। हिंदी में, हिंदी में इधर देवी पॉइंट, हिंदी में बोल बोल। हाँ बोल, एक बार एक बार। हाँ, देवी का मंदिर है। हाँ, पानी भी गिर रहा है और सब सब कुछ है ना। रुक रुक रुक, हाँ पहुंच गए ना। क्या इसको क्या बोलते, वहाँ पे खून था जो कि हाँ टूरिस्ट लोगों ने खराब कर दिया। खराब कर दिया, उनका काम ही है खराब करना है ना। ओह माय गॉड, टूरिस्ट मृणाल, हिंदी में थोड़ी परेशानी जाती है ना बोलने का। नहीं, हिंदी में इतना कुछ परेशानी नहीं जाती। देखिए यहाँ पे टुकड़ू जी महाराज है और गाड़ी के बाबा है। हाँ, दिन हम अंदर जाएंगे। बोलिए, मोबाइल मत ले जाना, पासपोर्ट बनाना है। ठीक है ठीक है, बाहर चलता। ठीक है ठीक, हाँ मंदिर में जाएंगे। हाँ देखिए झरना, जा इंसान वाह वाह गंदगी। Thank you.
बैठने वाले रोइंग बोट में उसका टिकट लगभग हमको पर कैंडिडेट 50 रुपये आए। ये पलटी होने के चांसेस रहते हैं कुछ? आज तक कितनी बोट पलटी हो गई? एक भी नहीं। अच्छा कितना खोले? 20 फुट है बीच में। अच्छा यहाँ पे 5-10 फुट होगा है ना। सांप ने मच्छी पकड़ी गया। ओ माय गॉड काय करना है तुला? काय करना है? सापला सापला हात लावायचा। अरे बाप सांगते भी की तो विषारी नाहीये। ओ म्हशी, बाप रे म्हशी पहिला तर रेली अशी दिसते का? अशी दिसतात म्हशी? हो अशी दिसतात म्हशी। तेच म्हटलं कुठेतरी पाहिलं सारखं वाटतं। साप तो बहुत रहते हो यहाँ पे है ना। ये किसके लिए? ये झील का नाम क्या? तो अभी 17 फुट पानी है ना। अच्छा है ना 17 फुट। ये सेंटर है ना? ये सेंटर अंदर, मतलब वहाँ पे 20-25 फुट पानी होगा। टोपी पे टोपी। क्वीन आती देखिए यहाँ पे जो गाविलगढ़ किला जो है वो तो भी बंद है कोरोना की वजह से, तो हम अंदर तो नहीं जा सकते, तो बाहर से ये व्यू है। देखिए मुझे इस वीडियो के अंदर एक मैसेज कन्वे करना था, लेकिन मेरी पुअर हिंदी की वजह से वो मैसेज मैं कन्वे नहीं कर पाया। तो देखिए आज मैं घर पे हूँ, तो वो मैसेज है कि वहाँ पे जो संत गाड़गे बाबा थे, तो गाड़गे बाबा ये जो है कभी स्कूल नहीं गए, तो तभी भी देखिए उनके ऊपर अभी संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती देन उनके ऊपर लोग अभी PhD करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एजुकेशन, अगर कोई बच्चा अगर एजुकेशन नहीं ले पाता तो ऐसा मत सोचे कि उसकी ज़िंदगी फेल है। तो एजुकेशन भी मस्ट है, लेकिन कोई अगर आपको कुछ करना है, अगर आपने समाज के लिए कुछ किया, तो एजुकेशन भी वहाँ पे मैटर नहीं करता। तो सेकंड मैसेज जो है वो है कि देखिए इस पूरे ब्लॉक के अंदर एक लड़की है, उसने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है, तो मैं सल्यूट करना चाहूँगा उसके पिताजी को जिन्होंने उसको हमारे साथ भेजा। मतलब देखिए कि क्या हम क्या करते हैं, लड़कियों को कभी फ्री छोड़ते ही नहीं है। तो देखिए कि मैं तो बोलता हूँ कि फ्री छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो आप फ्री मत छोड़िए, अगर आप अच्छे संस्कार दे सकते तो उनको फ्री छोड़ दीजिए। मतलब आप कोई इंसान अगर उनके घर की लड़कियों को अगर फ्री नहीं छोड़ता, इसका मतलब उनको समझ नहीं है कि लड़कियों को किस तरह से संस्कार देना है। मतलब हमको जो है संस्कार क्या होते हैं वो भी पता नहीं। जब तक लड़की समाज में नहीं आएगी, जब तक लोगों से बातचीत नहीं करेगी, तब तक उसको कैसे समझ में आ जाएगा कि लोगों से किस तरह से बात करते हैं। एक बात तो है कि लड़कियों के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी, ये तो एक सेंटेंस है बोलने के लिए सिर्फ,
लेकिन बदल सकती है, उसके लिए आपको हमें वो ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और लोगों की जो सोच है महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, वो बदलनी पड़ेगी।